हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। रेलवे जीने के 36th लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं कीज और एंटी क्रीपर के बारे में। ये हमारे फास्टनिंग और फिक्सचर्स के यूनिट का लास्ट टॉपिक है, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कीज और एंटी क्रीपर के बारे में। एक्चुअली में ये अलग अलग टॉपिक है, लेकिन जो एंटी क्रीपर टॉपिक है वो बहुत ही छोटा है, तो इसलिए मैंने इन दोनों को कंबाइन कर दिया है। इन लेक्चर में हम इन दोनों के बारे में डिटेल में जानेंगे विद द हेल्प ऑफ द डायग्राम। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए इस लेक्चर को शुरू करते हैं और डिटेल में पढ़ते हैं कीज और एंटी क्रीपर्स के बारे में। कीज, सबसे पहले हम कीज के कंसेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं। कीज आर स्मॉल टेपर्ड पीसेस ऑफ टिम्बर और स्टील। कीज जो हैं वो स्मॉल टेपर्ड यानी कि तिरछे पीसेस होते हैं, टिम्बर यानी कि लकड़ी या फिर स्टील मेटल के। इट इज़ यूज टू फिक्स चेयर्स ऑन मेटल स्लीपर्स। मेटल स्लीपर के ऊपर हम चेयर को फिक्स करने के लिए कीज का इस्तेमाल करते हैं। चेयर्स क्या होती है? चेयर्स जो होती है वो हमारे रेल सेक्शन को अपनी पोजीशन में बनाए रखने के लिए मदद करती है। जैसे इस जो स्लीपर के ऊपर आप देख सकते हो, हमने जो चेयर फिक्स की हुई है विद द हेल्प ऑफ द कीज, तो इस चेयर के ऊपर हमने जो है रेल को फिक्स किया हुआ है। कीज आर ऑफ फॉलोइंग टाइप्स। कीज़ के कितने प्रकार हैं उसके बारे में जानते हैं। पहला है वुडन कीज, दूसरा है मेटल कीज। इन सभी के बारे में नेक्स्ट स्लाइड में अच्छे से डिस्कस करते हैं, जहाँ पर मैं आपको डायग्राम में दिखा देता हूँ। ये है हमारी रेल की, जो कि एक वुडन की है। हमने इसे जो है इस सेक्शन में जो चेयर में फिक्स किया हुआ है, जिसकी मदद से जो हमारा रेल सेक्शन है वो अच्छी तरह से अपनी पोजिशन के साथ फिक्स हो चुका है, टाइट हो चुका है। आप देख सकते हो, अगर हम इसे इंसर्ट नहीं करेंगे तो हमारा रेल सेक्शन है जो लूज़ रहेगा चेयर के बीच में। अभी डिस्कस करते हैं हम वुडन कीज। वुडन कीज आर इन स्मॉल स्ट्रेट और टेपर्ड पीसेस ऑफ टिम्बर। जो वुडन की होती है वो स्मॉल स्ट्रेट यानी कि जो है सीधी ही की हो सकती है, या फिर टेपर्ड यानी कि तिरछी की भी हो सकती है, जो कि लकड़ी की बनी होती है, टिम्बर की बनी होती है। इट इज़ ईजली अवेलेबल एट चीपर प्राइस। ये ईजली अवेलेबल हो जाती है और इसका प्राइस चीपर होता है। इट इज़ नॉट स्टेबल इनफ एंड लूज ईजली ड्यू टू ट्रेन वाइब्रेशन। जो हमारी वुडन कीज होती हैं वो स्टेबल नहीं होती हैं और ये आसानी से जो है लूज हो जाती हैं ड्यू टू द ट्रेन वाइब्रेशन। जब ट्रेन उस एक ट्रैक के ऊपर मूव करती है तो वो वाइब्रेशन क्रिएट करती है, उसकी वजह से हमारी वुडन कीज जो हैं वो आसानी से लूज हो जाती हैं। नाउ ए डेज वुडन कीज आर नॉट यूज इन इंडियन रेलवेज। अभी के समय में हम इंडियन रेलवेज में वुडन की इस्तेमाल नहीं करते हैं। इस सेक्शन में आप देख सकते हो, इस डायग्राम में जहाँ पर हमने स्लीपर के ऊपर चेयर को फिक्स किया हुआ है, जे आप देख सकते हो जे है चेयर, और जहाँ पर आप देख सकते हो रेल सेक्शन के बीच में हमने वुडन की को फिक्स किया हुआ है, जहाँ पर जो रेड स्क्वायर बना हुआ है, वुडन की है जो इसे बिल्कुल टाइट करके रख रही है रेल सेक्शन को, जिसकी मदद से जो है अपनी पोजिशन से जो नहीं हिलेगा। और बाकी कॉम्पोनेंट्स को भी आप यहाँ इस डायग्राम से रीड कर सकते हो। नेक्स्ट है मेटल कीज। मेटल कीज आर स्मॉल टेपर्ड और स्प्रिंग पीसेस ऑफ स्टील। जो हमारी मेटल की होती है वो स्मॉल टेपर यानी कि तिरछी की भी हो सकती है, या फिर स्प्रिंग पीसेस भी हो सकते हैं। इट इज़ मोर ड्यूरेबल देन वुडन कीज। ये वुडन कीज से ज़्यादा ड्यूरेबल होती है, इसकी स्ट्रेंथ भी जो है ज़्यादा होती है। मेटल कीज आर फॉलोइंग टाइप। मेटल कीज के कितने प्रकार हैं उसके बारे में जानते हैं। पहली है स्टुअर्ट्स की, दूसरी है मॉर्गन की। इसके बारे में नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं डायग्राम को। तो उससे पहले आप मेटल की को देख लीजिए, जहाँ पर हमने चेयर के बीच में जे है चेयर, चेयर के बीच में जो है हमने मेटल की इंसर्ट की हुई है, जे स्टुअर्ट्स की है। इसके बारे में नेक्स्ट डायग्राम में डिस्कस करते हैं। हमने इसे आप जो है स्प्रिंग की भी कह सकते हो, जो स्प्रिंग की तरह होती है। यहाँ पर डायग्राम में आप इस की को देख सकते हो, इसने रेल को अच्छी तरह से जो फिक्स करके पोजिशन में बनाए रखा है। जहाँ पर आप देख सकते हो टाइप्स ऑफ मेटल की, जे है स्टुअर्ट्स की, जो कि आपने पीछे डायग्राम में भी देखी। यहाँ पर मैंने ये रेड लाइंस बनाई हुई है ताकि आपको जो है अच्छे तरह से इसकी शेप पता चल सके, वरना ये इमेज काफ़ी जो ब्लैक कलर की थी इसलिए वहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा था, इसलिए मैंने इस पर रेड जो इसके एजेस हैं उस पर रेड कलर की लाइन लगा दी है। जो कुछ इस प्रकार की होती है, और जो स्प्रिंगी होती है यानी कि आप दबाओगे तो ये फिर से अपनी पोजिशन में जो है वापस आ जाएगी, दबने के बाद स्प्रिंग की तरह वर्क करती है। ये है मॉर्गन की। मॉर्गन की मुझे बस यही इमेज मिल पाई। ये कुछ एक तरह से ऐसे पीस होता है, सॉलिड पीस, जिसे हम जो है इंसर्ट कर देते हैं एक चेयर के बीच में टू टू फिक्स दी रेल सेक्शन। इसकी डायमेंशंस आप जहाँ पर देख सकते हो, ज़्यादातर जो है स्टुअर्ट की ही यूज़ होती है हमारी इंडियन रेलवेज में। नेक्स्ट है एंटी क्रीपर्स। एंटी क्रीपर्स क्या होते हैं? एंटी क्रीपर्स आर यूज टू प्रिवेंट क्रीप इन रेलवे ट्रैक।
एक रेलवे ट्रैक में क्रीप को रोकने के लिए हम एंटी क्रीपर यूज़ करते हैं। क्रीप क्या होती है? जब हमारे रेल सरफेस पर जो है छोटे छोटे से डिप्रेशन बन जाते हैं, उसकी वजह से जो है क्रीप फॉर्म होती है। इसके ऊपर मैंने एक पूरा लेक्चर बनाया हुआ है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पर क्लिक करके आप इस लेक्चर को देख सकते हो और पूरी तरह से क्रीप के बारे में जान सकते हो। क्रीप को प्रिवेंट करने के लिए हम एंटी क्रीपर यूज़ करते हैं। इट इज़ फिक्स टू दी फुट ऑफ दी रेल, इसे हम रेल के फुट में फिक्स करते हैं। इसे हम इसलिए फिक्स करते हैं ताकि हमारी जो रेल सेक्शन है वो आगे की तरफ या फिर लेटरल या फिर लॉन्गिट्यूडिनल मूवमेंट उसकी ना हो या कम हो। इस सेक्शन में आप देख सकते हो हमने ये एंटी क्रीपर फिक्स किया हुआ है। ये है एंटी क्रीपर, ये जो आप शेप देख रहे हो थोड़ी सी जो बेबी शेप है, ये है एंटी क्रीपर और ये रेल सेक्शन। मुझे उम्मीद है कि ये लेक्चर आपको समझ आया होगा। अगर आपका इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन या क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो। इस लेक्चर में यूज है सभी नोट्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां पर क्लिक करके आप सभी नोट्स को देख भी सकते हो, डाउनलोड भी कर सकते हो। रेलवे इंजीनियरिंग के सभी प्रीवियस लेक्चर्स को मिलाकर हमने एक प्लेलिस्ट बनाई है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां पर क्लिक करके आप हमारे सभी रेलवे इंजीनियर से रिलेटेड वीडियोस को देख सकते हो। नेक्स्ट लेक्चर से हम जो है स्टार्ट करने वाले हैं एक न्यू यूनिट जो कि है ट्रैक जियोमेट्रिक्स। तो उन लेक्चर्स को मिस ना करने के लिए और साथ में और भी सिविल इंजीनियर से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आपको नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।